Welcome everyone in my channel. So today we discuss about the basic symptoms of the COVID-19. कि basically जो कोरोना के patient है उसमें कौन से symptoms present है जिससे कि हम जान सकते हैं कि yes patient has corona positive. So the first one is the fever. Patient has high grade fever and जो fever है that is continuous. So that is about the first symptoms of the कोरोना पेशेंट. सेकेंड इज ड्राई कफ. पेशेंट को सूखी खांसी है और बार बार पेशेंट को कफिंग में प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज़ द सेकेंड सिम्टम्स. देन मसल वीकनेस एंड फटीग. पेशेंट अगर थोड़ा सा भी काम कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा फटीग या थकन महसूस होती है. दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द कोविड पेशेंट. देन लंग इज़ अफेक्टेड. दैट इज़ द अगर पेशेंट को कफिंग है तो उससे पेशेंट के जो एल्वियोलाई है लंग्स में दैट इज़ आल्सो अफेक्टेड. तो पेशेंट को जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होगी. सो लंग इज़ मोर अफेक्टेड इन द कोविड-19 पेशेंट. सो बेसिकली अगर पेशेंट को कोरोना नहीं है तो पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है. सो ये दोनों एक डिफरेंट कंडीशन है लेकिन सिम्टम्स दोनों के सेम है. सो न्यूमोनिया प्लस कोविड भी हो सकता है पेशेंट को. सो लंग इज़ अफेक्टेड. देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी. अगर थोड़ा सा भी पेशेंट काम कर रहा है तो थक जाएगा और उसे सांस जो है वो फूलने लगेगा. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. देन हेडेक. पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगा, हेडेक होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. द मेंटल कन्फ्यूजन विच इज़ वेरी मच कॉमन इन द कोविड-19 पेशेंट. द एंगजाइटी ऑल्सो ड्यू टू द कोरोना. That is the most common symptoms and loose stools or the loose motions or the diarrhea which is also common in COVID-19 patients. Sore throat and pain. Cough. Then smell signal from the nose. तो patient को जी जो smell आनी चाहिए that is loss in COVID-19 patient symptoms. Okay, so this is the basic first signs of the COVID-19. Patient को smell signal जो है वो कम हो रहा है. Taste signal is also affected from the tongue. So flavor perceived in the brain that the signals of the smell and taste both are affected in corona patient. Thank you so much. So these are the symptoms of the COVID-19.